मयंक कर रहा है। चलिए देखते हैं, रुको बंद करने दो ये चीज, नहीं तो तुम लोग टाइम खराब करते रहेगा अपना। कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ये भी डिस्कस हो गया था ना कि किसी एक पॉइंट से एक लाइन पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका भी डिस्कशन हो गया था। यस एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने, बनाए थे क्या? सर। नहीं नहीं बनाया? कहीं यस सर। डाउट है उसमें? सर उसमें मेरे को डाउट है। अच्छा ठीक है, डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद, पहले कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, करते चलो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज इनक्यूलिटीज अपना ओवर होगा। हम सारा थ्योरम डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद एक ट्रायंगल में कैसे डिटरमाइन करोगे लॉन्गेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट साइड, उस तरीके का क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए थे। हो गया था ना, एंगल दिया हुआ रहता था बुकलेट का, वो सारा क्वेश्चन सब जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था वो सब भी तुमको सिखा दिए थे। उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में अपने लाते रहना। अब हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। लिखो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बस इतना ही बनाना, उससे ज्यादा तुम लोग को बनाने का नीड नहीं रहेगा। ठीक है चलो क्वेश्चन लिखते हैं। बच गया था इसमें एक क्वेश्चन ये करवाने को, कौन सा था? हाँ ये रह गया था, इसके एप्लीकेशंस का इसको ध्यान में रखना हमेशा, ये जो भी है लिख लो इसको अपने कॉपी में। स्टेटमेंट प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मेडियंस। ये तो एक स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, इसका कैसे यूज होगा वो हम एक बार इसके एप्लीकेशन का चर्चा कर लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये था कि जैसे कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें ये बोला कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ थ्री मेडियंस। तो जैसे एक मेडियन, ये दूसरा मेडियन और ये तीसरा मेडियन, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तुम्हारे पास, और तीनों मेडियन का लेंथ दे रखा है 3, 4, 5। तो अब ये बताओ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ग्रेटर देन ट्वेल्व होगा, लेस देन 12 होगा, या इक्वल टू 12 होगा, बताओ। ग्रेटर देन 12। ग्रेटर देन 12, तो तुम्हारे तुम इसका एप्लीकेशन का यूज ऐसा ही है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन ऐसा ही है। तुमको ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में मिलेगा, तीनों मीडियन का लेंथ दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका पेरीमीटर के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो तुम ये चीज बताना। कोई भी जनरल लाइफ में भी तुमसे पूछा कि पेरीमीटर, ये तीन ट्रायंगल का तीन मीडियन है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का, तो बताओ पेरीमीटर के बारे में तुम क्या टिप्पणी कर सकते हो, तो तुम क्या टिप्पणी करेगा? तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा 5, 6 और 7 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर से हमेशा ज्यादा रहेगा। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ पे आते हैं। एप्लीकेशन पता चला सबको? किसी को डाउट इसमें तो पूछो, नहीं है तो हम इसके प्रूफ पे आते हैं। करके देखो कितने से होता है देखते हैं, या हम डिस्कस कर दे, बोलो डिस्कस कर दे, तो कर दे रहे हम। जैसे एक पे एक मेडियन ए डी हुआ, दूसरा बी ई हुआ, एंड तीसरा एक और मेडियन, इसको सी एफ ले लो। ठीक है, तीनों मेडियन है, गिवन में लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी ई एंड सी एफ आर द मेडियंस। ठीक है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। प्रूफ क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन क्या क्या,
एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, हमको यही प्रूफ करके लाना है। तो देखो ध्यान से समझना, कहीं भी दिक्कत होगा पूछते जाना। अब लिखो आगे, देखो एक प्रॉपर्टी से पहले बताना हम भूल गए या अच्छा चलो एक चीज बस तुम लोग याद रखना, ऐसा होता है कि जैसे एडी मेडियन है ना, ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को, जैसे एडी मेडियन है ट्रायंगल एबीसी के साइड एसी का, ये बीसी का, तो एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल एबीसी में ये मेडियन है एडी, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, एबी प्लस एसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, समझ पा रहे हो कुछ या बताए फिर से? हेलो बोलो कुछ, फिर से बताइए सर। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? किसका? AB plus AC is greater than 2AD, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेगी? सम ऑफ टू साइड्स, ऐसे लिख लेना ना कि सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन द ट्वाइस द मेडियंस, ट्वाइस द मेडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, ऐसा लिख लेना। ठीक है, ओके सर। सर मेडियन कहीं से भी कर ले वही होगा, जिस जिस पे आएगा। यस सर, मतलब वही। एक मिनट रुको, तो अच्छा मेरे को ही भेजिए, हम आपको मैं उसमें ऐड कर देंगे थोड़ी देर में। ठीक, हाँ हाँ भेज रहे, नया लिंक भेज रहे। हाँ बोलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, न्यू लिंक भेज रहे। इस प्रॉपर्टी को बस ध्यान में रखना, जैसे अगर हम एसी पे एक मेडियन डाल दे, एसी पे एक मेडियन डाल दे, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पे लिखना होगा अपने को एबी प्लस बीसी, और अगर ये मेडियन तुम्हारा बीई हो गया तो ट्वाइस ऑफ बी। इसका भी प्रूफ होता है लेकिन अपने को इसका नीड है नहीं, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, हाँ सर हो गया, हाँ भेज रहे। भेज दिए सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे, जैसे एक ट्रायंगल हो गया, तुम ही लोग बताओ, ए बी सी ट्रायंगल हो गया, और हम अगर मेडियन ले ले ये सी एफ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ जल्दी? तो ये चीज याद रखेगा आज से। ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है बट जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत रहेगा हम उसका प्रूफ तुम लोग को कराते रहेंगे। हाँ, इसको ये प्रॉपर्टी तुम लोग ध्यान रखेगा। ठीक है, आया समझ में सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, और थोड़ा डिस्टर्ब हो गया अभी, वो क्लास एक जगह इनवैलिड हो गया था तो फिर से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं होगा डिस्टर्ब, तो ये चीज याद रखना। तो देखो इसको ऐसे ही प्रूफ करेंगे। सर वहाँ ट्वाइस ऑफ एडी प्लस बी प्लस सी एफ हो जाएगा ना? कहाँ पे? सर वहाँ टू प्रूफ में लिखे हैं एबी प्लस बीसी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी। नहीं नहीं नहीं, यही लिखेंगे ना, ट्वाइस कैसे लिख देंगे हम? यहाँ पे क्या लिखे हैं? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मेडियंस। ये पेरीमीटर ही देगा ना, ए बी बी सी और सी ए, ये पेरीमीटर देगा ट्रायंगल का। यस सर। और ये ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द मेडियंस, हम कहीं लिखे कि twice the sum of the median, ऐसा कुछ थोड़ी लिखे हैं। तो देखो सब पे ध्यान देना, अभी जो हम प्रॉपर्टी बताएं, तो प्रूफ में AD is median
बाइसेक्टिंग बी सी. तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स करो सब कोई, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी. उसी तरीके से दूसरे साइड पे आते हैं, दूसरे मीडियन पे आते हैं, इसको इक्वेशन वन कर लो, बहुत ही आसान है ये. बी ई इज मीडियन बाइसेक्टिंग क्या ए सी. तो अब क्या लिखेंगे बोलो, ए बी प्लस बी सी इज ट्वाइस ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी ई, इसको इक्वेशन टू. तीसरे के लिए आते हैं, क्या बच गया, एक सी एफ बच गया. सी एफ इज मीडियन बाइसेक्टिंग ए बी. तो अब बताओ रिलेशन, सी एफ में आए तो ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी एफ. तो ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी एफ, इक्वेशन थर्ड. अब तीनों को ऐड करो, क्या करो, तीनों को ऐड करो, फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा. एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड करो. तो देखो ए बी, ए बी दो मिलेगा तो ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं. एक बी सी यहाँ पे, एक बी सी यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ बी सी. एंड एक ए सी यहाँ पे और एक ए सी यहाँ पे, तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन, इस तीनों में से टू कॉमन ले लें और क्या लिख दे, ए डी बी ई प्लस सी एफ. और फिर अगले स्टेप में इस तीनों में से टू कॉमन ले लें, तो ए बी बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी बी ई प्लस सी एफ, और फिर टू और टू कैंसल हो जाएगा. तो हमारा रिजल्ट क्या बच गया, ए बी बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ. किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट हुआ तो पूछो. नो सर, नहीं है. तो तुमको ये ध्यान में रखना, इसका प्रूफ कुछ ऐसा था, प्रूफ आसान है, कोई याद इसमें झंझट था नहीं इस थ्योरम के प्रूफ में. हाँ, तुमको बस एक रिलेशन क्या याद रखना था, कि दो साइड का सम क्या होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियंस ऑफ थर्ड साइड. ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक तुम याद रखना, इसका प्रूफ होता है लेकिन इसका नीड है नहीं, इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस थ्योरम के प्रूफ में तो बोलो. आ गया सबको समझ में? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इसका एप्लीकेशन भी तुम लोग से हम डिस्कस कर लिए हैं, अब इसका यूज आगे अपने लाइफ में करते रहना. कोई भी तुमसे पूछ दे ऐसा कि एक ट्रायंगल का तीन मीडियन दे रखा है, तीनों का मेजरमेंट दे दिया, तो बताओ ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो तुम खुद से पेरीमीटर बता सकते हो. हाँ, साइड पे हम नहीं बता सकते कि इस साइड का लेंथ क्या होगा, ये नहीं कि तुम साइड का लेंथ बताने लग जाना, साइड का लेंथ हम लोग बता नहीं सकते. ठीक है, हाँ एक चीज, साइड का लेंथ नहीं बता ही नहीं पाओगे. अगर ए डी पांच दे दिया रहेगा, ए डी पांच देगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फाइव. तो तुम बस ये बोल सकता है कि ए बी और बी सी, हाँ जो अभी प्रॉपर्टी बताया तो उसका एप्लीकेशन क्या मिलेगा. तो जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये मीडियन दे रखा है ए डी और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और तुमसे पूछ दिया ए बी प्लस ए सी कितना होगा, तो तुम क्या बोलेगा, ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 8. ठीक है, तो दो तीन प्रॉपर्टीज जो पढ़ा बता रहे हम तुमको, वो सारे प्रॉपर्टी ध्यान में रखना. और अगर मन करता है तो एक अलग से हम सारा को नोट्स में लिखवा देंगे, वो नोट्स बार बार पढ़ते रहना, हम लिखवा देंगे आज क्लास के बाद में. जितना ये सब थ्योरम तो तुमने सीख लिया, हम उसके अलावा सारा प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखवा देंगे आखिरी 10-15 मिनट पहले. ठीक है, नोट्स करके सारा जितना भी तुम अभी तक सीखे हो इनइक्वालिटीज का प्रॉपर्टी, हम सबको एक जगह पे अरेंज करा देंगे. ठीक है, किसी को डाउट इस थ्योरम में नहीं है? नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. देखो इस पे ये तुम्हारा मेडियन से रिलेटेड था, अगला जो है सेकंड, अब हम लोग एल्टीट्यूड पे देखते हैं क्या. तो शो दैट द सम ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड्स
altitudes of a triangle is less than the sum of three sides of triangle. या फिर तुम इसको ऐसा लिख सकते थे कि perimeter of triangle, sum of three sides of triangle वही हो गया ना perimeter. तो इसको ऐसे लिख सकते थे, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड. दोनों टर्म में एक तो ये लैंग्वेज हो गया, या फिर तुम इसमें ये भी लिख सकते थे, प्रूव दैट पेरीमीटर. क्या डिफरेंस है क्या दोनों स्टेटमेंट में, बताओ कोई. सेम ही स्टेटमेंट है ना. यस सर. हां तो दोनों स्टेटमेंट लिख लो, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज greater than the क्या था यहाँ पे, the sum of its three medians. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, the sum of its three altitudes. तो दोनों स्टेटमेंट लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है. इसका प्रूफ बताते हैं. लिख लिया? यस सर. यस ठीक है. चलो इसके प्रूफ पे मूव करते हैं. देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो डिस्कस किए थे ना अभी हाल फिलहाल में, वो ये एक पॉइंट से हमेशा किसका लेंथ ज्यादा होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम कौन सा होता है, एल्टीट्यूड वाला होता है ना, बस उसी का यूज कर लेना यहाँ पे. ये एल्टीट्यूड आया, एक ये दूसरा एल्टीट्यूड आया और एक तीसरा एल्टीट्यूड आया. नाम दे दो इसको, ये कर दो. तो स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, गिवन क्या खा रहा है ऋषि? कुछ नहीं सर. झूठ मत बोल, कुछ तो खा रहा है. क्या प्रूफ करना है इसमें, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी ए. ठीक है. अब देखो बहुत ही आसान है इसमें, तुम ए डी एल्टीट्यूड का बात करो. देखो प्रूफ यहाँ पे खुद से एक अगर स्टेटमेंट लिखना है लिख लेना, We know that of all line segments क्या लिख सकते हो, that can be, ये जरूरी नहीं है अगर, या लिख लेना that can, खुद से ये लिख लेना कि किसी एक पॉइंट से एक लाइन पे बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट कौन सा होता है, तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है. उसी चीज को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं. अपने लैंग्वेज में लिख लेना, जिसको जो भी अपना आसान लगता है. इंग्लिश ये हम अपना लैंग्वेज है, तुम लोग का अपना लैंग्वेज है, तो कुछ लिख लो. बस तुमको ये चीज बस इस स्टेटमेंट में दिखा देना है कि एक पॉइंट से एक दूसरे लाइन सेगमेंट पे बहुत सारे लाइन सेगमेंट, मतलब एक पॉइंट ए है उससे बी सी पे हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन होगा, तो ए डी होगा. इसी चीज को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं. तुम लोग अपना जो भी आसान लैंग्वेज लग रहा है उस लैंग्वेज में लिख लो. ठीक है. तो ड्रॉन टू अ गिवन लाइन देन द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट वन.
तो देखो कितना आसान हो जाएगा फिर यहां से करना। तो अब देखो प्रूफ पे आते हैं। तो देखो ए बी इज ग्रेटर देन ए डी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ए सी इज ग्रेटर देन ए डी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब फिर क्या करो, दोनों को ऐड करो। तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। उसी तरीके से इसको इक्वेशन वन। अब उसी तरीके से फिर बीई बीई एल्टीट्यूड की बात करो। यहां पे लिख लेना, यहां पे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब तुम लोग नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। बीई परपेंडिकुलर टू ए सी है, बीई परपेंडिकुलर ए सी है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी सी इज ग्रेटर देन बीई एंड एंड ए बी इज ग्रेटर देन बीई। फिर दोनों को ऐड करो, तो बी सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बीई। इसको इक्वेशन टू बना लो। डाउट किसी को नहीं है? तो अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा क्या है, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम लोग, सी बी इज ग्रेटर देन सी एफ एंड सी, क्या बच गया एक, ए सी ना, ए सी इज ग्रेटर देन सी एफ। फिर इसको भी ऐड कर लो, फिर तीनों इक्वेशन को फिर ऐड कर लेना फाइनली। तो सी बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी एफ। ये क्लियर विजिबल है या चेंज करे? विजिबल है ना ये क्लियर? हाँ, तो फिर तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या मिल जाएगा, एक ए बी इधर है, एक ए बी इधर है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी जैसा पहले अभी प्रूफ किए थे। फिर ये तुम्हारा ये हो गया बी सी, एक यहाँ पे और एक बी सी यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ बी सी। और ए सी भी दो ठो है, एक ए सी यहाँ पे, एक ए सी यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन टू कॉमन ले लो ए डी सी एफ एंड बी। और फिर इन अपने राइट हैंड साइड से टू कॉमन ले लेना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस सी एफ प्लस बी। टू और टू कैंसिल, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस सी एफ प्लस बी। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को भी डाउट है तो पूछो। नहीं है, नहीं है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना। अब हम इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस। चलो बढ़िया है। तब तो एक क्वेश्चन देते हैं, करो तो तुम लोग। लिखो तुम, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच पी आर एंड PR and QS are diagonals, diagonals which intersect at O as shown in figure. Prove that number one, PQ plus QR
प्लस आर एस प्लस एस पी इज ग्रेटर देन पी आर प्लस क्यू एस. सेकेंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज लेस देन ट्वाइस ऑफ पी आर प्लस क्यू एस. नहीं बनेगा टेंशन मत लेना, जो फिर बता देंगे तो उसको एक दो बार बना करके याद कर जाना. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में तुम्हारा काम रहेगा जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसको बस रट जाना. ऐसा बना जाना तीन चार बार की एग्जाम में आए और बना जाए, क्योंकि इसका यूज ऐसे प्रूफ का यूज सिर्फ इसी क्लास तक आएगा. हाँ, इसके एप्लीकेशन का यूज हमेशा तुमको पढ़ते रहेगा, तो एप्लीकेशन इसको ध्यान में रखना, इसका थ्योरम बस ध्यान में रखना है तुमको. और स्कूल के एग्जाम के लिए जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं बस उतना बना लो. फिगर बनाना रह गया ना, कोई बोलता ही नहीं है सर फिगर नहीं बनाए, कैसा नालायक लोग है सब. है जी, बोलने में दिक्कत है क्या अभिषेक? सर वो क्वेश्चन बनाने में ध्यान चल गया था, बिना फिगर के बनाने लग गया. नहीं हम फिगर बना लिए. ओ शाश्वत, जूही, बोला करो भाई कि सर फिगर कहाँ बनाया है. बना लिए थे. अच्छा, तो सेल्फी से फिर दूसरों के लिए कौन सोचेगा, सिर्फ अपना सोच रही है. वो लगा अपने से फिगर बनाना होगा. ऐसा क्या, ठीक है चलो बनाओ. सुचेतन समझ में आ रहा है? यस. कृतिका? यस सर. पक्का की बस यस सर कर दी? सर आ रहा. आ रहा है. तुम तो लेट ज्वाइन की थी थोड़ा आज. सर मेरे इस टाइम पे स्कूल का भी क्लासेस चलता है, इसमें थोड़ा लेट हो जाता है. तो कभी बताई क्यों नहीं जी, कितने बजे से स्कूल क्लास चलता है, कितने से कितने बजे तक? 12 o'clock से लेके कभी कभी 3 o'clock तक, कभी कभी 3:30 तक. अरे बेवकूफ, बताना था हम चेंज कर देते तुम्हारा और अरीट बैच का टाइम इंटरचेंज कर लेंगे. अरीट में तो किसी का 3 बजे नहीं होता है ना मयंक? नहीं सर. नहीं होता है? अरे गधी लड़की, एक बार भी नहीं बताई आज तक तुम, गजब है. बताना चाहिए ना भाई, बताओ हम बस इंटरचेंज कर देंगे दोनों का क्लासरूम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हम अगले वीक से तुम लोग का क्लास 4:30 से शिफ्ट कर देंगे, एक को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बताया करो ये सब चीजें. अगले वीक से टाइम सर ये टाइम ठीक रहता. अरे तो उसको दिक्कत है ना, ठीक रहता है हम भी समझ रहे, लेकिन मुझे सबको देखना है ना, सबको कंसीडर करना है. सर 4:30 से 6 करेंगे और क्या करेंगे. या अगले वीक से क्लास का टाइमिंग चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि जो भी 11-12 का बैच है ना, हम तो चाह रहे थे 3 बजे तुम लोग का फिक्स कर दे, लेकिन जो 11-12 का बैच है उसमें स्कूल ही 3 बजे तक हो रहा है, तो मे बी तुम लोग का क्लास टाइमिंग 3:30 बजे ही शिफ्ट हो जाए, तब तो दिक्कत नहीं होगा. कृतिका ठीक है, देख लेते हैं जो भी होगा. अगले वीक टाइम टेबल ध्यान से देख लेना, सब कुछ चेंजेस आएगी अगले वीक से. चलो बनाओ इसको. नहीं बनता है कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कर लेंगे हम सारा क्वेश्चन, फिर इसके बाद सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बना जाएंगे, फिर ये चैप्टर ओवर.
सर बन गया। बन गया ओके सर बन गया। बढ़िया दोनों। हाँ सर बन गया सर। सर मेरा पहला वाला बना, सेकंड नहीं बन रहा। अच्छा अच्छा बन गया पहला। पहला वाला के लिए क्या करना होगा सबको पता चला? एक एक ट्रायंगल का मीडियन वाला लगा देंगे। मीडियन कहाँ से आ गया गधा? सर हम तो वैसे ही किए, प्रूफ तो हो गया। नो सर देखो डिस्कस कर दे रहे हैं, इसके लिए करना कुछ नहीं था, एक एक करके ट्रायंगल उठाते चलो। जैसे सबसे पहले बताओ जूही कौन सा ट्रायंगल ली, एक एक करके बताओ। सर PQR ली है। सबसे पहला ली PQR, क्या लिखी इक्वेशन? सर PQ plus QR is smaller than PR. Smaller than PR? सर ग्रेटर देन पीआर। इतना मारेंगे ना, दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब बना गई गलत गलत लिख के। लिखे सही है, बोले गलत है। बोलिए भेज देते हैं। क्या बोलिए तो भेज देते हैं। हाँ नहीं नहीं रहने दो। चलो ये बताओ समझ में आया पहला ये स्टेटमेंट आया सबको समझ में? PQ plus QR is greater than PR, एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना कि sum of two sides of triangle is always greater than the third side. फिर दूसरा ट्रायंगल बताओ, कोई दूसरा आदमी। अभिषेक तू तो कुछ और तरीके से बना गया भाई, देखना पड़ेगा। PSR SPQ SPQ सीरियली बताओ, जैसे PQR लिया है तो आगे बढ़ो। अब QR लिखो, RSQ लिखो। अरे ऐसे ऐसे ही बनाया जाता है ज्योमेट्री, कहीं भी रैंडमली कोई भी मत ट्रायंगल उठाया करो। मतलब हाँ ठीक है सही बनेगा, बट ऐसे बनाओगे ना तो तुम्हारे लिए टाइम बचेगा, नहीं तो एक बार ये ट्रायंगल ले लिए फिर हम कौन ट्रायंगल लिए फिर ढूंढते रहेगा। उससे अच्छा हम कंटिन्यूसली सर्कल ट्रायंगल उठाएं। तो इसके लिए इक्वेशन बताओ कृतिका, QSR में इक्वेशन बताओ क्या लिख सकते हैं? शाश्वत आगे अब तुम बताओ कौन सा ट्रायंगल ले। अब शाश्वत नहीं है, सुचेतन तुम बताओ फिर। सुचेतन तो PSR PSR इक्वेशन बोलो। PS plus SR is greater than PR greater than PR। उज्जवल अभी फरार है। ऋषिराज चौथा ट्रायंगल बोलो। सर क्या PQS या QPS ठीक है, कुछ भी बोलना, एंगल थोड़ी ना इसमें डिसाइड करना। इक्वेशन बोल। PS plus PQ is greater than QS greater than QS ठीक है। अब क्या करना होगा इसके बाद, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लेना। अब जैसे ही चारों इक्वेशन को ऐड करोगे काम बन जाएगा अपना। तो देखो एक PQ, एक यहाँ पे दूसरा PQ, तो twice of PQ, मतलब हम टू कॉमन लिख ले रहे हैं जो अभी किए थे ना जस्ट पहले, वही टू कॉमन ले लिए। एक QR, एक यहाँ पे QR, तो twice of QR, टू कॉमन। SR एक यहाँ पे है, SR एक यहाँ पे है, तो twice of SR, हम SR कॉमन लेके टू कॉमन लेके SR लिख लिए। और एक PS ये, एक PS है, तो twice of PS। और greater than फिर क्या हो जाएगा, फिर टू कॉमन ले लेना क्योंकि PR और PR दो बार है, तो PR। और SQ और SQ दो बार है तो SQ, टू और टू फिर कैंसिल। पहला हो गया प्रूफ, ठीक है समझ में आया? बताओ yes, कोई डाउट किसी को नहीं है? दूसरे के लिए देखो, दूसरा थोड़ा मतलब क्या ही बोले, ये टेक्निकल
दूसरे में क्या की थी जूही, बताओ तुम्ही। क्या ली? छत पर जाके पढ़ाई कर रही है क्या? POQ। दूसरे के लिए क्या क्या लेना होगा अपने को? ट्रायंगल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर PQ नहीं लिख सकते? हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या दिक्कत है? एंगल हम थोड़ी बता रहे कि एंगल हम O का बात कर रहे हैं। कुछ भी लिखो अभी। इन ट्रायंगल POQ लिख लो। चलो POQ में क्या लिख सकते हैं हम लोग? BF, बताओ जी। तुमको देखो इसको इसको प्रूफ क्या करना है, लेस देन ट्वाइस ऑफ PR प्लस QS। तो इसमें थोड़ा नाम ये चेंज करना पड़ेगा। इसमें लिख लेना OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, ठीक है? तभी तो हम डायगोनल्स को ग्रेटर शो कर पाएंगे। यहाँ पे दोनों डायगोनल को हमको ग्रेटर शो करना था, दिख रहा है ना? चारों साइड के सम से ग्रेटर दिखाना है डायगोनल को, तो हमको डायगोनल को हमेशा ग्रेटर के साइड रखना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से अगला ट्रायंगल ले लेंगे QOR, फिर उसमें लिख दो OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। फिर इन ट्रायंगल OSR ले लेना, उसमें लिख लेना फिर OR प्लस OS इज ग्रेटर देन SR। फिर तुम लोग नीचे लिखना भाई, हम साइड में लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल अगला कौन सा लेंगे? SOP, इसमें इक्वेशन लिखो तो OP प्लस OS इज ग्रेटर देन SP। फिर चारों इक्वेशन ऐड कर देना, जो प्रूफ चाहिए वो आ जाएगा अपना, ठीक है? इन इस क्वेश्चन में डाउट हुआ किसी को तो पूछो। इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। चारों इक्वेशन ऐड करो तो देखो क्या कैसे ऐड करोगे। यहां से OP और OR को एक ब्रैकेट में रखना, ठीक है? OP और OR को एक ब्रैकेट में रखना, तो OP प्लस OR और एक जगह और होगा OP और OR। यहाँ पे OP है और यहाँ पे OR है, प्लस OP प्लस OR एक साथ रखो तो OP और OR ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? RP मिल जाएगा। फिर RQO और OS को एक साथ रखो, QO और OS प्लस OQ और OS, और फिर RHS में जो जो है उसको लिख दो। RHS में तुम्हारा चारों साइड है तो PQ यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा देना। PQ प्लस QR प्लस SR प्लस SP, और फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा। OP और OR ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? PR मिलेगा, तो PR यहाँ पे भी होगा और इस पे भी PR मिलेगा, तो ट्वाइस ऑफ PR। और OQ और OS ऐड करोगे तो OQ OS ऐड करोगे तो QS मिल जाएगा, और ये भी दो जगह है, तो जो प्रूफ करना था वो हमारा हो गया, ठीक है? तो तुमको ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम सारा NCERT का क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं अभी, फिर ये चैप्टर ओवर करते हैं, ठीक है? किसी को डाउट हुआ इस क्वेश्चन में तो पूछो। सर लास्ट में 2P कहाँ पे? ये 2PR, ये स्टेप। हाँ सर। मोहतरमा मोहतरमा तुमको नहीं बोल सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है। OP और OR क्या मिलेगा? देखो OP और OR क्या मिलेगा? OP प्लस OR ऐड करोगे तो PR मिलेगा। देख यहाँ पे, अरे बोलो, डाउट पूछ के भाग जाता है। यस सर। PR यहाँ पे भी मिलेगा ना जी, और यहाँ पे भी तो OP प्लस OR PR देगा, तो ट्वाइस ऑफ PR होगा। हम 2 कॉमन ले लिए फिर। आया समझ में? और यहाँ पे OQ और OS था, दो जगह है, OQ प्लस OS, OQ प्लस OS, और OQ प्लस OS क्या देगा अपने को? QS दे देगा, ठीक है? ठीक। डाउट किसी को कुछ भी पूछो, नहीं है तो फिर हम NCERT का क्वेश्चन डिस्कस करके चैप्टर आज अप करेंगे। बहुत दिन से ट्रायंगल पढ़ रहे हो तुम लोग, नहीं है ना डाउट? नो सर। चलो NCERT का पहला क्वेश्चन क्या था, कोई एक बार बताओ। तो शायद उसमें प्रूफ करना था कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, पहला क्वेश्चन यही था ना? यस सर। बन गया था सबसे? यस सर। पहला जिससे नहीं बना बताओ। NCERT का पहला क्वेश्चन था
चलो मैं यहाँ लिखी देते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, बस हम बता दे रहे उसमें क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबको अपने जो जो बना लिया ठीक है, जो नहीं बनाया इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा से नोट डाउन करो ताकि स्कूल वाले जब मांगे कि इस चैप्टर का असाइनमेंट, इस चैप्टर का एक्सरसाइज वाला दिखाओ तो ये दिखा देना अपना ए बी सी, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था तुम्हारे एनसीईआरटी में कि जो हाइपोटेनस है उसको सबसे ग्रेटेस्ट शो करना है, यानी एसी को लॉन्गेस्ट शो करना है। तो हम लिखते चल रहे हैं, तुम लोग बनाते चलो। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपने को, तो ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखो, तो पहला मतलब क्या तुमको दोनों दिखाना होगा ना कि ए सी जो है ए बी से भी ग्रेटर होगा और दूसरा ए सी जो है बी सी से भी ग्रेटर होगा, यही प्रूफ करना था। तो देखो प्रूफ कर लोगे, प्रूफ बताओ। देखो इसमें करना कुछ नहीं होता है, तीनों एंगल का सम लिखो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना देगा 180 डिग्री, एंगल बी 90 है तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दे दिया 90 डिग्री दिया। तो अब ये बताओ, एंगल ए और एंगल सी मिल करके 90 डिग्री दिया है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए इज लेस देन एंगल बी, बताओ। एंगल ए और एंगल सी मिला करके 90 हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एंगल बी से कम ही होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. और एंगल ए एंगल सी भी एंगल बी से कम ही होगा, है या नहीं? Yes, sir. तो अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी का रिलेशन में एंगल ए एंगल बी से छोटा आया तो कौन सा साइड बड़ा हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन के लिए बताओ। एंगल ए एंगल बी से छोटा आया तो हम कौन से साइड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, साइड बताओ। एसी और बीसी के बीच में, क्योंकि एंगल ए के सामने साइड बीसी है और एंगल बी के सामने एसी है। तो अब एंगल बी ग्रेटर हो गया एंगल ए से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसी इज ग्रेटर देन बीसी, ठीक है। उसी तरीके से अब दूसरे के लिए एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, तो हम किस किस साइड की बात करेंगे, एंगल सी ये है तो उसके सामने का साइड ए बी और एंगल बी ये है उसके सामने का साइड ए सी, तो एंगल बी इज लेस देन एंगल सी, तो फिर यहाँ पे एंगल सॉरी एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, इज प्रूव्ड। डाउट हुआ किसी को तो पूछो, डाउट है तो पूछते चलो, जो जो आज क्लास नहीं कर रहा है ना वो तो सबके लिए हम क्या बोले, हम उन लोगों का डिस्कस भी नहीं करेंगे हम ये चीजें उन लोग के साथ। हाँ जी बताओ, पहला क्वेश्चन में डाउट ना सर? नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बताना क्या था, प्रिंट अ फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड टू, फिगर दिख रहा है मेरा एक लड़का सर बुक में। चलो देखना ही पड़ेगा मुझे भी क्वेश्चन, हम सारा डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। लो भाई बारिश आ गया, सॉल्यूशन नहीं चाहिए मेरे भाई, मैथ्स बुक का पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 9 पीडीएफ। जागरण घोष ट्रायंगल्स।
देखते हैं, दिखा दे यार। देखो क्या लक है, सीधा वहीं पे पहुंच गए हम लोग। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस। चलो ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को फिगर हम फिर से वन नोट में बना देते हैं। हम सारा मतलब समझो, हम ये एनसीईआरटी का तुम लोग को सोल्यूशन भेज दे रहे हैं सब बना करके। हाँ सब कुछ समझते चलना, ये नहीं कि बस छाप लेना। दूसरा क्या था क्वेश्चन, हम समझ गए, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे बस डायग्राम बना दे रहे। किससे किससे बन गया सेकंड? यस सर, बना लिए। अच्छा देखो सेकंड में क्या करना था, ट्रायंगल का नाम क्या दिया था, एबीसी है क्या ट्रायंगल? यस। एबीसी और पी और क्यू है, ठीक है। ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और ये सी हो गया, ये आगे बढ़ के पी तक गया, और ये आगे बढ़ के क्यू तक गया था, ठीक है। और तुम्हारा एंगल में क्या क्या रिलेशन दिया है, पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी, यानी इसको दूसरे टर्म में बोला जाए तो ये जो एंगल सी है वो एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको x और y के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर x ले लें और ये y ले लें, तो अब देखो गिवन क्या था लिख लेना, गिवन लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल x एंड एंगल y आर एक्सटीरियर एंगल, या एंगल पीबीसी एंड एंगल क्यूसीबी आर एक्सटीरियर एंगल, एंगल पीबीसी एंड एंगल क्यू सी बी आर एक्सटीरियर एंगल एंगल्स सच दैट कौन सा ग्रेटर था, ये वाला, ये ग्रेटर था ना, बताना तो एक बार, क्यू सी बी ग्रेटर है ना? Yes, बताओ कोई। हाँ सच दैट एंगल PBC ऐसा ही था ना, smaller than angle QCB, मतलब QCB बड़ा है PBC से। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना, बहुत ही सिंपल है, उतना ये नहीं है, हम X और Y इसको एज्यूम करके बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ में इसके, प्रूफ में देखो आप इसको एंगल ए बी सी प्लस पी बी सी, इन दोनों को मिलाओगे तो 180 मिलेगा, पी बी सी के जगह एक्स ले ले रहे जब हम एक्स के टर्म में बना रहे, तो 180 डिग्री मिलेगा। और एंगल ए सी बी, ए सी बी प्लस वाई, ये भी कितना दे देगा, 180 देगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, अब देखो हमारा एंगल वाई बड़ा है ना, एंगल वाई किससे बड़ा है, एंगल एक्स से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई किससे बड़ा है, एक्स से बड़ा है। अच्छा यहाँ पे एक इक्वेशन और, इन दोनों इक्वेशन से तुम लिख सकते हो ना, ए बी सी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए सी बी प्लस वाई, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। और क्या बड़ा था, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई इज ग्रेटर देन एक्स ये दे रखा था, ठीक है, समझ रहा है ये चीज, वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, तो बताओ तो ए बी सी और ए सी बी में कौन सा बड़ा होगा, ए सी बी बड़ा होगा, इसलिए एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी, और ए सी बी ग्रेटर आया ए बी सी से, ए सी बी कहने का मतलब ये एंगल वन ग्रेटर आ गया एंगल टू से, तो कौन सा साइड बड़ा हो जाएगा, ए बी बड़ा हो जाएगा ए सी से, इसलिए ए बी इज ग्रेटर, ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। एक मिनट, एक्स और वाई बड़ा है ना,
अच्छा वाई बड़ा है तो तुम्हारा एबीसी ग्रेटर हो जाएगा, एबीसी ग्रेटर हो जाएगा ना, तो एंगल एबीसी ग्रेटर देन एंगल एसीबी, और इसलिए एबीसी तुम्हारा कौन सा एंगल, एंगल टू था, एसी ग्रेटर देन एबी। डाउट हुआ होगा किसी ना किसी को, अगर हुआ है तो पूछो, इस चीज में डाउट है क्या किसी को, कैसे हो सर गया? मेरे को हुआ है। हुआ ना तेरे को? हेलो सर। अरे मोहतरमा फिर इधर भी आ गई तू, घूमते फिरते आ जाते हैं ना मांगी सर, खाली बैठे थे। अच्छा चलो ठीक है, तो देखो इसमें डाउट हुआ अभिषेक को, नहीं जनाब आप ये बताएं कैसे समझे, आप इसको ऐसे समझने का कोशिश करें, ठीक है। पहले से तो ये दे रखा था ना, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दे रखा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वाई बड़ा दे रखा था एक्स से, दिया था। तो देखो वाई को तुम 60 अज्यूम करो, वाई ग्रेटर दिया याद रखो, अगर इसको हम 70 अज्यूम कर लेते हैं और इसको हम 60 अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि वाई ग्रेटर एक्स दिया था, ठीक है। तो वन एंगल वन कितना होगा बताओ सर, एंगल वन 110 और एंगल बी 120, मिल गया जवाब? अरे मिला जवाब कि नहीं मिला सर, कहां सवाल, अरे ये 110 तुम ही बोला ना और इसको 120 बोले ना भाई, तो आया एबीसी ग्रेटर देन एसीबी? यस सर, हाँ आ गया, समझ में आया? यस सर। तो इसको रट जाओ, इस क्वेश्चन को रट जाओ कि ऐसा 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 लिखते हैं, और ऐसे भी यहाँ पे देखो इस चीज को देखो, एबीसी प्लस एक्स मिलकर के 180 था, तो यहाँ से कह सकते हो ना एक्स क्या है, एक्स स्मॉलर है तो एबीसी ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा? Yes. समझ रहा है? ठीक है, और किसी को डाउट हुआ तो पूछो, और किसी भी बंदे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर सानिध्य भी आ गया, तू दोनों का मिली भगत होगा, समझ सकते हैं हम। सर हम दूसरा क्लास कर रहे थे, हमको तो अभी पता चला। अच्छा हाँ जी बताओ, किसी को डाउट, कृतिका जूही? सर हम एक्सरसाइज बना लिए। बना लिए, बढ़िया, तब तो रिवीजन हो जाएगा। इसी तरीके से बना रही है, डिफरेंट तरीका था पहला दूसरा क्वेश्चन में? सर लगभग इसी तरह। अच्छा आर्यन डाउट? नो सर हम भी बना लिए। पुष्कर, ऋषिराज, स्नेहा? नो सर बना लिए। ऋषिराज और स्नेहा बताओ डाउट दोनों क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नहीं। सुचेतन? नो सर। नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और दोनों नालायक हो तुम दोनों को डाउट? नो सर। नो सर, देख हम नाम नहीं लिया नालायक का, वो लोग खुद समझ लिए हमको बुला रहे हैं, फिर बोलते हैं कि सर आप हमको नालायक बोलते हैं। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ये तो बन जाना चाहिए भाई, लोग बन पाएगा बताओ या डिस्कस कर दे? बन गया। बना ले। सबको जैसा बोलो, थर्ड डिस्कस करना है या कर लोगे? बन गया। बन गया? कर ले। कर लोगे? छोड़ दे थर्ड। छोड़ देते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड को तुम लोग के भरोसे, जिससे नहीं बनना है बता देना भाई, ये नहीं कि सब कोई बोल दिया नहीं तो तुम भी नहीं में आगे, ठीक है ना? हम थर्ड छोड़ रहे हैं, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, ठीक है फिर हम छोड़ रहे हैं थर्ड। सर बता दीजिए सर। हाँ, तू भाग यहाँ से। थर्ड बदमाशी करने आ गई यहाँ पे, बाद में बता देंगे, बाद में बता देंगे, ठीक है? मेरे को याद है सर। याद है तो बदमाशी कर रही है सर, बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। नहीं सर आपका रिवीजन हो जाता ना। मेरा रिवीजन हो जाता है? हम्म। अच्छा चलो फोर्थ पे आते हैं,
कृतिका बन जाएगा ना थर्ड, कृतिका ऋषिराज सुचेतन बताओ बन जाएगा ठीक। चलो फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी ऐसा है ठीक है। चौथे डिस्कस कर लेते हैं। चौथा देखना फिगर गलत होगा तो बताना। ए बी सी डी ऐसा ही था ना जी, ये ए था बी ए और सी और डी ए। सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन सा था? ए बी शॉर्टेस्ट है ना, और लॉन्गेस्ट कौन सा था? सी डी। सी डी प्रूफ क्या करना था एक बार बताओ तो। एंगल ए एंगल सी से बड़ा है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, और दूसरा एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ज्वाइन करना है। एसी को गिवन लिख लेना पहले, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये लिख लेना गिवन में क्या, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। सर आप लास्ट क्लास बताए थे ये वाला थोड़ा सा। अच्छा बताए थे, ठीक है ठीक है, आज एक जब प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। इन विच रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड, एक्चुअल में मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, एंड सी डी इज द, हम गलत बात नहीं बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है ना, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है अब तुमको क्या करना था इसको बनाने के लिए बताओ, कोई कैसे बनाई जो ही बताओ, तुम ही बताओ। Draw XY parallel to BC and join AC. इतना मेहनत कौन करेगा? Join BD and AC. Parallel parallel कुछ draw करने का जरूरत नहीं है। क्या करोगे? AC को join करोगे और BD। पहले AC को join करके देखते हैं। तो in triangle ABC construction लिख लेना, join AC and BD construction लिख करके फिर आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल प्रूफ पे। इन ट्रायंगल ABC, रुक जा इसको शिफ्ट कर लेने दो, मुझे शिफ्टिंग हो जा मेरे भाई, है कि नहीं सही है पढ़ाने का ये तरीका, जहां मन किया फिगर उठा के लेके चले जा। इन ट्रायंगल एबीसी हम ऐसा लिख सकते हैं, बीसी कहाँ गया जी, क्या क्या की फिर जूही बताओ, बीसी को किससे ग्रेटर लिख सकते हैं? सर एसीबी को। हाँ बोलो। एबीसी बीसी ग्रेटर देन एबी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एबी इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो हम एसी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, एसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। एसी में भी छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन एबी और बीसी में हमको पता है कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा है। तो बीसी इज ग्रेटर देन एबी, जब बीसी ग्रेटर देन एबी हो गया तो हम इसको एंगल वन मार्क कर दे और इसको एंगल टू मार्क कर दे, तो कौन सा एंगल बड़ा हो जाएगा बताओ बताओ? एंगल टू। एंगल टू बड़ा होगा। लिख सकते हैं, है कि नहीं है ना? अब फिर इन ट्रायंगल एसीडी में आओ, एसीडी में फिर एसी पे डिस्कशन नहीं करना है, एसी के बारे में कुछ नहीं करना है। अब जो तुम्हारा साइड बच गया एडी और सीडी, कौन सा साइड बड़ा हो जाएगा इसमें? सीडी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो सीडी इज ग्रेटर देन एडी लिख सकते हैं। अब हम इसको एंगल थ्री और एंगल फोर मार्क कर रहे हैं। चलो इसको हम आसानी करने के लिए नाम ही लिख दे रहे हैं सिंपली, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल टू। ठीक है तुम लोग इसके प्रूफ बना दो, अलग अलग डायग्राम बना बना करके दिखाना, ठीक है तो मजा आएगा प्रूफ करने में। अब सी डी ग्रेटर देन ए डी है तो बताओ एंगल का रिलेशन कौन सा बड़ा हो जाएगा बोलो?
सी डी ग्रेटर देन ए डी है तो एंगल फोर ग्रेटर देन थ्री. अब तुमको क्या करना है, इसी दोनों को एड कर देना है. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब एड करोगे तो एंगल वन प्लस एंगल फोर इज ग्रेटर देन एंगल टू प्लस एंगल थ्री, और वन और फोर मिलके क्या मिल जाता है अपने को, एंगल ए और एंगल सी. पहला प्रूफ हो गया, हो गया पहला प्रूफ. किसी को डाउट है तो पूछो. किसी को भी डाउट नहीं. अब दूसरे के लिए आते हैं. दूसरे के लिए फिर से एक डायग्राम बना लेना. अब की किसको ज्वाइन कर, तुम पैरेलल लाइन कहाँ खींच रही थी बेवकूफ, क्या क्या करते रहती है बैठे बैठे. आपको फोटो भेज रहा है सर, रुकिए. पैरेलल लाइन का नीड है क्या, तुम ही बताओ. अब हमको कौन सा ज्वाइन करना पड़ेगा, फिगर सर हम बनाए थे, मेरे को याद आ गया. फिगर गड़बड़ हो गया ना. यस फिगर सही है, नाम गड़बड़ हो गया शायद. ठीक है, भूल जाते हैं कभी कभी, क्या करें. इसको ए करो, ये बी करो, ये सी और ये डी. ए डी को ज्वाइन करो, फिर जो काम इस क्वेश्चन के लिए किया ना सिमिलरली ये काम इसमें करना. फिर तुम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना इसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी. ए बी डी में कौन सा साइड बड़ा छोटा हो जाएगा और कौन बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, है कि नहीं. ए डी इज ग्रेटर देन ए बी बिकॉज ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड. फिर से एंगल मार्क कर लेना, इसको एंगल वन, इसको एंगल टू. कौन सा एंगल बड़ा हो जाएगा बताओ, तो एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल टू. फिर उसी तरीके से इसको इक्वेशन थर्ड ले लेना. फिर इन ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, बी सी डी. बी सी डी में सबसे बड़ा साइड कौन सा, सी डी, तो सी डी इज ग्रेटर देन बी डी. अब सी डी बी डी ग्रेटर है, एंगल मार्क करो इसको थ्री, इसको फोर, तो सी डी ग्रेटर देन बी डी, तो सी डी ग्रेटर देन बी डी यानी एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल फोर. फिर दोनों इक्वेशन ऐड कर लेना, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज ग्रेटर देन एंगल टू प्लस एंगल फोर, दैट इज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल टी. बुझा गया सबको, बोलो. यस सर. यस सर. कुछ भी डाउट इस चैप्टर में अब तो नहीं. एक आखिरी क्वेश्चन बच गया, कर लेना खुद से उसको, नहीं बनेगा तो. हाँ बोलो. दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है. अरे हम घर पे आके मारेंगे, क्वेश्चन हम करा ही दिए हैं. तो सर दो क्वेश्चन है. अच्छा तुम बताना चाह रही है कि दो क्वेश्चन है. हाँ. अच्छा ठीक है. सिक्स हम डिस्कस कर चुके थे, सिक्स हम नहीं बता रहे. फाइव नंबर देखना करके बनता है तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में बताएंगे. अब मूड नहीं कर रहा है, बहुत पढ़ा लिया आज. ठीक है, तो तुम पहले भी हम इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, अगले क्लास में क्या करके आना है बताओ सब कोई. तो क्वेश्चन इकट्ठा करके आना है, कहाँ तक का, तो फ्रॉम लाइंस एंड एंगल अप टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और अप टू इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल. यहाँ उस टॉपिक से लेकर के यहाँ तक में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरम में, कहीं पे कैसा भी डाउट होगा, तुम लोग कल या परसों तक मुझे पोस्ट कर देना टेलीग्राम पे. हम परसों का क्लास सिर्फ डिस्कशन के लिए रख रहे हैं, और सबको क्लास ज्वाइन करना. ये नहीं कि किसी को डाउट नहीं है किसी भी क्वेश्चन में तो हम ज्वाइन नहीं किए. मे बी तुम लोग के लिए उस दिन कुछ नया क्वेश्चन डिस्कस करने को मिल जाए. ठीक है, तो सारा क्वेश्चन पोस्ट करो मेरे को परसों 12:00 PM के पहले. कोई भी बैच, एरिट हो या नॉर्मल बैच, किसी को अगर करना है अटेंड तो कर सकता है, और क्वेश्चन पोस्ट कर देना. हम परसों का लेक्चर पूरा उसी का डिस्कशन पे निकालेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग हीरोज़ फॉर्मूला पे मूव करेंगे, उसके बाद जब भी क्लासेस होती है. ठीक है, समझ रहे हो. हाँ जी बताओ मैं. यस सर. कहीं डाउट है. नो सर. तुम्हारे लिए भी एक काम है, क्योंकि तुम यहाँ तक पूरा ये चैप्टर पढ़ लिया है, कॉन्ग्रुएंसी, लाइंस एंड एंगल एंड इनइक्वलिटी, तो तुमको भी अगर डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में पोस्ट कर देना. ठीक है. ठीक है. जूही कहीं डाउट. नो सर. कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है अब तक, मतलब कि देखना पड़ेगा फिर से बनाएंगे. हाँ देख लो, मौका लगे देखो. अभिषेक. नो सर. नहीं है कहीं भी. नहीं है. ढूंढो ढूंढो क्वेश्चन, ढूंढो, भेजो, परसों तक का टाइम है. आर्यन. यस सर. है डाउट तो भेज देना. ठीक है, परसों डिस्कस कर लेंगे. परसों ही क्लास है ना. यस सर. हाँ
और कौन है आर्यन के बाद? हिमांगी सिंह, इसको डाउट होता नहीं, छोड़ो इससे क्या पूछना। कृतिका तुम बताओ। अरे नहीं बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, कहीं भी डाउट होगा पूछ लेना। पुष्कर डाउट है कोई क्वेश्चन में? देखना चलो ठीक है। ऋषिराज नहीं सर, नहीं इतना दिन से पढ़ा रहे कहीं डाउट ही नहीं हुआ सर। अब आज का लेक्चर का डाउट पूछ रहे कि इतना दिन से जो पढ़ा रहे उसका? आज का पूछ रहे नालायक लोग। नहीं सर, आज का में तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नो सर, आज डाउट नहीं है। तू लोगों को क्या लगा? हमको लगा कि आप उतना दिन से जो हुआ है वो सब कुछ। अरे उतना दिन वाला तो तू लोग पोस्ट करेगा ना, ठीक है। फिर कौन है? सानिध्य, छोड़ो इससे क्या पूछना। सुचेतन तुम बताओ जी। नो सर, कहीं भी नहीं है। चलो अब तुम लोग के पास होमवर्क वही है, क्वेश्चन कलेक्ट करो। डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन कलेक्ट करो और पोस्ट करो। परसों का क्लास सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पे रखेंगे, मजा आएगा परसों। और पढ़ के आइयो, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट कर दिए और उससे रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह कुछ भी हमको ध्यान में नहीं है, वो काम मत करना। थोड़ा थ्योरम वगैरह पलट के देख लेना, ठीक है। एक दिन में ऐसे क्या होगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रहेंगे तो सबका एक बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दिन में नहीं हो पाता है, हम परसों का क्लास थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तुम लोग के लिए, क्योंकि परसों मेरा 4:30 से क्लास कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा देर बढ़ाएंगे, लेकिन परसों से ज्यादा अब इस चैप्टर को हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1.5 घंटे, एक घंटे 20 मिनट के जगह मे भी 1 घंटे 40 मिनट चला जाए क्लास, लेकिन तुम लोग पे भी ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब 2 ही क्वेश्चन आएगा तो हम भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। 10 क्वेश्चन आएगा तो फिर मजा आएगा। तो परसों एक पूरा क्लास डिस्कशन का रहेगा, मिलते हैं परसों के लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय बाय, एंजॉय योर दिन, ठीक है। हाँ जी मांगी, कुछ बोल रही थी क्या? हाँ